आपकी गूंजती है वो एक अलग ही है, सरकार तक जाए। आपने उसके लिए एक बीड़ा खींचा, आगे तक बात पहुंचाई है और निरंतर इस बात पे हैं कि लगी रहे, साथ ही साथ आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है आपका। लेकिन एक और भी समस्या आ रही है, कई दिव्यांग शिक्षा मित्र जो अपने जनपद से, शुक्ला जी को भी वो बहुत फोन करते हैं, हमको भी बहुत फोन करते हैं, कोई 10 किलोमीटर जाता है, कोई 4 किलोमीटर जाता है, कोई 5 किलोमीटर जाता है। एक दिव्यांग शिक्षा मित्र आगरा में, उसे उसके परिजन मारने के लिए घूम रहे हैं, रोज उसको कोई तमंचा दिखा रहा है, कोई बंदूक दिखा रहा है, कई समस्याएं हैं। हालांकि सरकार में सुरक्षा के पैमाने बड़े सख्त रहते हैं, हमने उनसे कहा कि उस जिले की पुलिस से आप संपर्क करिए, कोई दिक्कत आएगी तो हम भी बात करेंगे। विधायक जी, शिक्षा मित्र आदेशक को लेकर कल आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से बात हुई, तो उन्होंने बड़ी एक राहत भरी खबर ये दी कि उम्मीद ये है कि दिवाली तक कुछ राहत करा सकते हैं, और इसके लिए हम, डॉक्टर साहब, मानवीन जी, गुरु जी, सब लोग लगे हुए हैं कि दिवाली पर मिठाई आ जाती 2 लाख परिवारों में, और वो मिठाई का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो आपके उन सभी विधायकों को जाएगा जो जी जान से लगे हैं। उस मिठाई का श्रेय जाएगा तो केशव प्रसाद मौर्य जी को जाएगा, जिन्होंने इस बैठक का नेतृत्व किया। इस मिठाई का श्रेय जाएगा तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जाएगा, जो इस पर मोहर लगाएंगे। और एक एक और व्यक्ति को जाएगा जी, मिश्रा जी, हेलो जी, हाँ, वो है हमारे आदरणीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, जी, जिन्होंने जिन्होंने ये व्यवस्था देने का काम किया विधान परिषद में कि शिक्षक विधायकों के साथ नेता सदन बैठ करके रोजमर्रा के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, और वो माननीय केशव जी ने किया। वही चीज मैं आपसे भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा जो आपने गाड़ी की तीव्र गति तो आपकी चल रही है, आपकी उचित दूरी बना के नहीं चल रही है, आप पूरी तरीके से चल रहे हैं, जैसे रोडवेज पे लिखा होता है परिवहन निगम की बसों पर, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, उसमें स्लोगन होता है उचित दूरी बनाकर चले, तो आप उचित दूरी बनाकर नहीं चल रहे हैं, पूरी दूरी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो मेरा बस आपसे ये अनुरोध है कि इनको ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती कि जब प्रभु श्री राम के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जब करोड़ों दीपक जलाए जाएं, तो इन 2 लाख परिवारों में भी दीपक जल जाए, घी, तेल, बाती, दीपक, सबकी व्यवस्था हो जाए, और वो होगी तभी जब वेतन बढ़ जाए, मानदेय बढ़ने का ऐलान हो जाए, भले ही वो आए 15 दिन बाद, लेकिन ऐलान से ही सबके घर में खुशियां आ जाएंगी। और ऐलान मुख्यमंत्री जिस दिन कैबिनेट की बैठक हो, ऐलान करे, कैबिनेट पास कर दे, झंझट खत्म, क्योंकि भरोसा तभी बढ़ेगा। और मैं वादा करता हूं तिवारी जी, और आप कह देना मुख्यमंत्री जी से, 10 में से 10 विधानसभा उपचुनाव आपके खाते में होंगे, ये पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक कंधे से कंधा लड़ा देंगे, 2 दिन छुट्टी लेंगे, जाएंगे, अगर जिलों के 5-5 जिलों के भी इकट्ठे होते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, और इसका पूरा श्रेय जाएगा तो आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को जाएगा। नेताओं का श्रेय सबका रहेगा, और उनमें उनके साथ मेरा भी रहेगा। मैं उमेश जी हैं, मानवेंद्र सिंह गुरु जी हैं, सभापति जी हैं, आदरणीय केशव जी हैं, देवेंद्र जी हैं, आकाश जी हैं, मतलब सारे के सारे जितने शिक्षक विधायक और स्नातक विधायक हैं, श्रीचंद जी हैं, उनको सब साथ में मिलकर के हम लोग सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ताकि हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और ये विषय विशेषज्ञ, इनको सबको का जीवन स्तर उठाया जा सके। विधायक जी, माननीय मंत्री जी आ गए हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री के आगमन की खबर मिल गई है, तो मैं अब चाहूंगा कि आप भी, जी जी जी, क्योंकि अब नवदुर्गा का पर्व शुरू हो रहा है और हिंदुओं का बड़ा पर्व होता है नवदुर्गा, लोग 9 दिन रहते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा करते हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है, और
आने वाले पड़वा यानी आने वाले दो दिन बाद वो पर्व शुरू हो रहा है और ये पर्व दिवाली के साथ समापन होता है। बिहार में अगर हम चले जाते हैं या पूर्वांचल में चले जाते हैं तो वो छठ के साथ समापन होता है। हमारे यहाँ छठ पूजा करते हैं, बुंदेलखंड में और ब्रज प्रदेश में हम भैया ध्वज के साथ समापन करते हैं, भैया ध्वज के साथ हम समापन कर देते हैं गोवर्धन पूजा भैया ध्वज। तो ऐसे में स्पीड बढ़ाने के लिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि लखनऊ का रुख आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम लोग दशहरा के बाद सबसे बात करके और वहाँ सब लोग मिलेंगे, हम लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के निर्णय करेंगे और फिर जैसे निर्णय होगा वैसे कार्रवाई आगे करेंगे। क्योंकि उसे याद दिलाना पड़ता है, नेताओं को याद बहुत दिलाना पड़ता है। और एक बात और विधायक जी बता दे, आप लोगों को रखनी चाहिए, इस समय अधिकारी बड़ा सुस्त हो गया है, अधिकारी बड़ा सुस्त है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता है, पता नहीं क्यों जी, पता नहीं क्यों मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, लेकिन अधिकारी को अपनी सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो बीड़ा आपने उठाया है, अगर सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी डीआईओस अगर सही से शासन को अपनी अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते तो इनका मानदेय हर वर्ष 500-500 रुपया बढ़ता। लेकिन हम लोग कहते हैं जाके सदा सहायक केशव वाके जी का कौन अंदेशो। ठीक है, तो केशव जिसका सहायक है तो उसके जी का कोई अंदेशा नहीं है, संशय नहीं है और इस निर्णय में भी संशय नहीं है। हम सब लोग मिलकर के फिर से उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मानवर सारे के सारे लोगों की यही इच्छा है कि दीपावली इनकी बड़ी आराम से आनंद से मन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।